इंदौर में देर रात बेलगाम आयशर गाड़ी एक वाहन को इस्तिकास करते हुए खड़े ट्रक में जा टकराई। गाड़ी में सवार ड्राइवर सहित अन्य दो लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर गाड़ी से बाहर निकाला, जिन्हें उपचार के लिए गंभीर हालत में 108 की मदद से एम्बा अस्पताल भिजवा दिया गया है। मामला देर रात आजाद नगर थाना क्षेत्र के नेमावर रोड पर एक बेलगाम तेज रफ्तार आयशर गाड़ी एक मकान को तोड़ती हुई खड़े ट्रक में जा टकराई। हादसे में गाड़ी में सवार तीन लोग गाड़ी के केबिन में ही दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस, फायर और रेस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर सहित अन्य दो लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि आयशर ड्राइवर शराब नशे में धुत था। तत्काल घायलों को 108 की मदद से उपचार के लिए एम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। एक आयशर वाले ने टक्कर मार दी है, संभवतः आयशर वाला शराब पिए हुए है और वो फंस गए थे। तीनों क्लीनर और ड्राइवर, तीन व्यक्ति फंस गए थे। बड़ी मुश्किल से मशक्कत के साथ उनको बाहर निकाला है और उनको हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा है। और एक मकान तोड़ने की भी सूचना है, ये ड्राइवर तोड़ के आया है आयशर वाला, तो उसकी रिपोर्ट पर इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर अभी नाम वगैरह सामने आए? नाम अभी नहीं आया। सर किस तरह का रेस्क्यू करके निकाला? अब कटर भी मंगाया गया था, कटर का भी ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाया, और ट्रैफिक की क्रेन वगैरह लेके और उसको जनता के सहयोग से उसको।